बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा सैलड मैक्रोनी सैलड। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मज़ेदार है, कम चीज़ों में बहुत ही मज़ेदार रहता है ये। उसके लिए हमने एक कप मैक्रोनी लिया है, इसे हमने बॉईल कर लिया है नमक के बगैर। 1 टेबल स्पून हम लेंगे शिमला मिर्च, बारीक बारीक चॉप कर ली है। 1 टेबल स्पून गाजर लेंगे, ये भी हमने बारीक बारीक चॉप कर ली है। 1 टेबल स्पून हम धनिया लेंगे, मायोनीज लेंगे 2 टेबल स्पून, केचप लेंगे हम 1 टेबल स्पून, 1/2 टीस्पून चीनी लेंगे, 1/2 टीस्पून नमक लेंगे, आप अपने जायके टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो एक बॉल लेंगे, इसमें हम मैक्रोनी शामिल कर देंगे बॉल की हुई। अब हम इसमें डालेंगे मायोनीज, मायोनीज केचप आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कितनी आपने डालनी, कितनी आपको पसंद है ये आप डाल सकते हैं अपनी अपनी। अब हम डालेंगे इसमें केचप, और अब हम इसमें डालेंगे गाजर, गाजर डाल के हम इसमें शामिल कर देंगे शिमला मिर्च, और हरा धनिया डालेंगे थोड़ा सा बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। अब हम इसमें चीनी, काली मिर्च का पाउडर और नमक शामिल कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सब चीज़ों को मैक्रोनी में। कितना मज़ेदार सा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही टेस्टी होता है, घर में ट्राई करें इसे। अच्छी तरह से मिक्स करना है इसे जी। तो अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, सैलड तैयार हो चुका है, मैक्रोनी सैलड मज़ेदार सा। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और डिश आउट करके आपको दिखाएंगे जी। तो हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है मैक्रोनी सैलड, सिंपल मैक्रोनी सैलड है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत कम चीज़ों में बनने वाला, आप इसे घर में ट्राई करें, फटाफट से बन जाता है, इंस्टेंट मैक्रोनी सैलड है, आप फटाफट से बना के इसे खा सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई, इसे घर में ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।